भागलपुर सुल्तानगंज के कृष्णगढ़ मोड़ के समीप बिहार के लघु जल संसाधन मंत्री जयंत राज एवं उनके साथ इंजीनियर शुभानंद मुकेश के सुल्तानगंज पहुंचने पर विधायक डॉक्टर ललित नारायण मंडल सहित महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान लघु जल संसाधन मंत्री जयंत राज का मीडिया से बात करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। सिंचाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? लघु सिंचाई के बारे में जो भी कार्य योजना है हम लोग बना रहे हैं, और हाल फिलहाल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल भी सर्वे किया है, और उसके अनुसार सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है। जो भी अपना चेक डैम बियर का जो भी है यहाँ पूर्व का योजना है या जो नया योजना है उसको हम लोग जल्द से जल्द पूरा करेंगे, जिससे लोगों को समस्या से राहत भी मिलेगा। जो राशि देना है वो मिलता है राशि लोगों को, अगर कहीं पे अगर नहीं मिला है तो अभी आप जानकारी दे रहे हैं तो हम लोग बात करेंगे उसको। और सर्वेक्षण कल किया है, बारिश हो रही है, तो बारिश की जो स्थिति हुई है प्रकृति का एक मार है, ये तो हुआ ही है कि इस बार सुखाड़ की काफ़ी बहुत स्थिति खराब है, और उसके लिए सरकार सोच रही है, जो भी होगा हम लोग संभव होगा वो हम लोग करेंगे। तो आपने लघु संसाधन मंत्री जयंत राज को सुना, जिन्होंने बताया कि लघु सिंचाई का जो भी कार्य योजनाएं उनके लिए है वो अहम है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा क्षेत्रों में हवाई सर्वे किया जा रहा है, उसके लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। जो भी लघु सिंचाई का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, पुराना हो या नया हो, उसके लिए कार्य किए जा रहे हैं, एवं सुखाड़ एवं बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए सरकार के द्वारा लाभ दिए जा रहे हैं। जहां नहीं मिल पाया है लाभ, वहां उसके लिए बताए गए उसे सभी सरकार की योजनाओं का लाभ दिए जाएंगे। साथ ही इस विषय में विधायक डॉक्टर ललित नारायण मंडल का क्या कुछ कहना है आप उन्हें सुनिए। अरे माननीय मंत्री जी, लघु सिंचाई हमको जब ही ग्रामीण विकास मंत्री थे सुल्तानगंज विधानसभा को बहुत मदद किए हैं, बहुत रोड दिए हैं, इनके लिए हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जब से लघु सिंचाई में आए हैं हमने इनको रिक्वेस्ट किया, उसी तरह सुल्तानगंज विधानसभा पर आप कृपा कीजिए, और किसानों को जैसे बोरिंग मिलता है 40% सब्सिडी अभी मिलता है, उस पर बिजली भी बहुत कम रेट में उसको मिलेगा। आई बोले हैं कि अभी रुकिए, हम उस सब्सिडी और बढ़वाना चाहते हैं, अगर सब्सिडी और बढ़ जाएगा तो किसानों को फायदा होगा, ये कर रहे हैं। और छिटका उटका जहाँ तक है हम लोग इनसे लेंगे करेंगे। तो आपने विधायक को सुना, जिन्होंने बताया कि जयंत जी जब ग्रामीण विकास कार्य में थे तब सुल्तानगंज विधायक क्षेत्रों में सड़क सहित अन्य कार्यों किए गए थे, अब लघु सिंचाई मंत्री बनी हैं। इनसे रिक्वेस्ट किए जा रहे हैं कि किसानों की बोरिंग सब्सिडी बढ़ाने के लिए मांग करने का आश्वासन दिए गए हैं कि जल्द बढ़ाया जाएगा, जिससे किसानों को अधिक लाभ मिल सके। इस दौरान जदयू प्रखंड अध्यक्ष सदानंद कुमार, जदयू जिला महासचिव विनय कुमार, जदयू महिला अध्यक्ष प्रेम प्रभा सिन्हा, महिला जिला महासचिव रानी झा, अनिल सा, मस्जिद मुखिया सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इस विषय में आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।